आजा आजा आजा, संभल के संभल के संभल। नहीं जी, मुझे इजाजत है आप। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। बहन क्यों शर्मिंदा करती है, इसमें एहसान वाली कौन सी बात। जीते रहो बेटा, किसी नेक माँ बाप की औलाद हो, मेरी दुआ है बेटा कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी खुशियाँ देखने नसीब हो, तुम्हारी माँ की लंबी उम्र हो बेटा। में बात हुई थी, उन्हें जरा रिमाइंडर करवा देना। मैं अभी करवाता हूँ। हाँ जी यार, आपने तो आज मेरा कल यंग वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग में जाना था। जी हम तैयार, बस आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा ख्याल टाइम तो हो गया, आपको जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। ओके भाई, वो शिकिल भाई को फोन करना था। ओ हाँ यार, आपने अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। शकील भाई जी, जी मैं नवीद बात कर रहा हूँ, कैसी तबीयत है आपकी। वो बिल्लू भाई ने आपसे बात तो की होगी हमारी यंग वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। जी जी, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। जी बजा फरमाया आपने। दरअसल हमारी ये छोटी सी यंग वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें हम लोगों से रابطे करते हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। इवन के हमारे गली मोहल्ले के लोग भी हमसे बहुत तावन कर रहे हैं और उनकी बहुत हौसला अफजाई इसमें शामिल है। जी क्या फरमाया आपने, गुंजाइश नहीं। चलें ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। कॉल ही जाएगी। नहीं, हमने अपना फर्ज पूरा किया, उन्हें दावत दी, अब ये उनकी मर्जी, चाहे कबूल करें या ना करें। ठीक है अब्दुल्ला, तुमने ये तो मन भाई का सौदा है। हाँ शायद वाकई उनके पास गुंजाइश ना हो। हो सकता है, बिल्लू भाई बता रहे थे कि शकील भाई को गए हुए 6-7 साल हो गए, घर भी कभी कभार ही पैसे भेजते हैं, ना होने के बराबर।
अच्छा छोड़ो इन बातों को, ब्लड का अरेंज हुआ? हाँ, एक कॉल की थी यूनिवर्सिटी, 6 लड़के आ गए। दैट्स गुड। होने वाला मेरे साथ, मुझे क्या मर्ज है? कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, बस अल्लाह के आगे दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर दे। बड़ा शोर है, ये लोग शोर करते हैं, लगता है जैसे मेरे दिमाग में कोई दौड़े मार रहा है। जल्दी आ गए, मुझे ले चल खुदा के लिए, मैं खाने मर जाऊंगा। सब्र और हौसले से काम ले, निकट की तबीयत पहले ही ठीक नहीं, परेशान रहती है वो बेचारी। परेशानी तो इसकी तो परेशानी जाने, मेरी बेटी ये दवाइयाँ मंगवा लें। लो बेटा मंगवा लेंगे, अभी मेरी बेटी जिंदी है, पैसे मारते मेरा इलाज करा रही, बेटा क्या हुआ मंगा ले, मेरी बच्ची को मजबूर ना करो, भीख ना मंगवाओ उससे, मुझसे नहीं बचाया। ये इंजेक्शन जो है ना, ये आप बाहर से। बाहर से? जी, वो गेट के सामने नीचे सड़क के पार। मगर स्टाफ नर्स तो कह रही थी कि सारी दवाइयाँ आपके मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। देखिए जी, मैंने आपको बता दिया ना, आप अपना और दूसरों का वक्त जाया ना करें, हमारे पास जो था मैंने दे दिया, ये इंजेक्शन आपको स्टोर से लेना पड़ेगा प्लीज। जी ये मम्मी, ये टोल टंबर के काम आ जा रहे हैं। अरे चले, वो कुलसूम की शादी है ना कल, लड़कियों से मेहंदी लगा रही है, बड़ी रौनक है। कुलसूम कौन? वो रहमते की बेटी? हाँ, शफीक के साथ, शफीक अपना सईद का हाली है। मैंने कहा आप भी कुछ सईद के बारे में सोचे, इसके सर पे सेहरा बांधे, कोई हवेली में टोलक बाजे का इंतजाम हो। बात तो तेरी ठीक है, क्यों भाई सईद? जी जी बाबूजी। जी बाबूजी चलिया, तुम्हारी शादी की बात हो रही है। ले मेरी हाल है, कोई उम्र है? ओ चलिया, तेरी उम्र नहीं, हमें अपनी उम्र की फिक्र है। पता नहीं इस बुड्ढे रुख को कब तेज हवा का झोंका आए और चट से उखाड़ के ले जाए। बहुत माये गाली है तूने यारों की शादी पर, अब तेरे यार तेरे इन हाथों पर मेहंदी लगाएंगे, माये गाएंगे और मेरे दिल का अरमान पूरा होगा। मेहंदी का अरमान तो निकट का भी पड़ा है। भैया मुझसे नहीं संभाली जाती तेरी ये हवेली,
अब तो मैं जाके तेरे मामे से कहती हूँ कि सुगरा डाल दे मेरी चोली में, वो आकर तुझे भी संभाल ले और तेरी हवेली को भी। सुगरा? हाँ, मेरा भाई तो कई बार इशारों में कह चुका है कि शैला सुगरा तुम्हारी ती है, जब मर्जी आके ले जाओ। सुगरा चिट्टी अनपढ़ मुंह फाटा वो ना, तो सईद कौन सा 16 जमाते पास है, चिट्टी अनपढ़ है तो क्या हुआ, अद्धे मुरब्बे की मालिक है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, सईद से पूछ लो। ना सईद से क्या पूछना, मामे की ती है, सोनी सवलड़ी, क्यों सईद? जेमी तू कब जाऊं तेरे मामे के पास सुगरा का रिश्ता मांगने? क्यों भाई, क्या ख्याल है तेरा जवाना? मैं क्या अब्बाजी, अब्बाजी वैसे तो कहीं फिर रोटियां पका लेती है यारों के चूल्हे पे। इनकी दुआ थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेगी। राइट सर। कैसे हैं जनाब? ठीक हूँ जी। मगर क्या होना, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, इत्मीनान रखे। स्टाफ हर आधे घंटे बाद इनका बीपी चेक करें, और आज मैं इनके एक्सरे भी देखना चाहूँगा। आपने घबराना नहीं, अगर ये दर्द ज़्यादा महसूस करें सर में तो फौरन स्टाफ को इन्फॉर्म कीजिएगा। कब से ये सर दर्द है आपको? जी 2-4 माह हो गए थे। क्या महसूस करते हैं जब ये तकलीफ होती है, तो क्या शिद्दत होती है दर्द की? सर बता नहीं सकता, दिल करता जवार में टक्कर मारूं, मेरे अख्तियार में कुछ नहीं रहता। रब्बा ऐसा लगता है जो तवड़े मार रहा कोई, सोनू मार रहा मेरे सिर में। चेकअप करवाया आपने पहले, कोई एक्सरे कोई सीटी स्कैन की रिपोर्ट वगैरह? दवा खा रहा हूँ जी, एक्सरे नहीं है। खैर एक्सरे आज हो जाएंगे, हो सकता है कि सिटी स्कैन की जरूरत पड़े, बहरहाल देखते हैं। क्या हुआ? नीचे गई है दवाइयां लेने के लिए स्टोर से, 60-70 सीढ़ियां उतर के नीचे जाना पड़ता है, फिर उतनी ही सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ता है वार्ड के अंदर। थक गई है बेचारी। भाई वो तेरा नंबर बेड राउंड हो रहा है बाजी, डॉक्टर साहब वार्ड में। भाई ये इंजेक्शन है, मेरे बाबा को लगते हैं अभी। पीछे हटने बाजी, राउंड के बाद दरवाजा खुलेगा। आपके मरीज के पास कोई है? वो अम्मी है मेरी। तो बस फिर ठीक है, एक मरीज के साथ एक बंदे की इजाजत है। डॉक्टर साहब चले ना, फिर अंदर चल जाए, पीछे हट जाए, साहब ने देखने नाराज होंगे। कैसी तबीयत है अंकल की? क्या बताती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है। सारी रात बाबा तड़पते रहे हैं, मेरे सर पे जैसे आसमानी गायब हो गया। इफन कहीं बाबा? नहीं पागल, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह उनका साया तुम पर हमेशा सलामत रहे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था इस कदर परेशानी का। मैं तो तुम्हारे घर आई थी कि अंकल की अयादत कर रहा हूँ, तो सामने वालों ने बताया कि तो रात से ही हॉस्पिटल में हो, तुम मुझे फोन करके ही बता देती। सारी रात अकेली यहाँ क्यों खड़ी हो? वो डॉक्टर राउंड पर क्या बताते हैं डॉक्टर, क्या मसला है?
अभी तो कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही। हौसला रखो, हिम्मत नहीं हारना। गाड़ी निकाले में आती हूँ, मुझे जरूरत नहीं, मेरे पास है। कहा ना रख, प्लीज तलाश करो, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? मैं पहले तुम्हारे सालों तले दबी हुई हूँ, बस और नहीं। नहीं पागल, ऐसा नहीं सोचते, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी बहन, मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर, ठीक है? निगत बेटी जी, अम्मा जल्दी से इंजेक्शन ले आओ, टाइम हो गया। अम्मा मैं तो चार इंजेक्शन लाई थी। बेटा नहीं, वो तो एक ही था।